हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरु मेहंदी टैरो। और ये रीडिंग है 2nd ऑफ मार्च से लेके 8th ऑफ मार्च तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में। मैसेजेस फॉर कैंसर, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में। Four of Water, Hanged Man, The Moon, Patience, and 7 of Water. Okay, तो हमारे पास है patience का card. Patience के card के साथ cancer, आपको लगेगा कि कोई आपकी patience का test ले रहा है और continuously आपसे ये expect कर रहा है कि आप शांत रहें। कॉन्टिन्यूसली आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप वेट करते रहें, जबकि मून के साथ आपके इमोशंस बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। आप सोच रहे हो सकते हैं कि पता नहीं आगे फ्यूचर में क्या है, इस पर्सन के इरादे क्या हैं, इस पर्सन का जो इंटेंशन है वो क्या है, आपको लेकर इनकी सोच क्या है। ये पर्सन आपको इतना ज्यादा डिसअपॉइंट कर सकता है इस वीक में कि आपको लगे कि शायद आपको किसी चीज का प्रूफ चाहिए। आप चाहेंगे कि ये पर्सन आपको प्रूफ करे कि वो वाकई आप में इंटरेस्टेड है या वाकई इस रिलेशनशिप को सीरियसली ले रहे हैं। आप हो सकता है चाहें कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए कुछ करे। बट आई थिंक कैंसर, 4 of Water के साथ आपको लगेगा कि ये पर्सन उतना एफर्ट नहीं कर रहा जितना इन्हें करना चाहिए। एंड आप अपनी जगह सही हैं, क्योंकि हैंग्ड मैन के साथ मैं देख रही हूं कि आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है। एंड इतना प्रैक्टिकल है कि अपने अकॉर्डिंग ही चीजें ले जाना चाहता है या अपने अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ को प्लान कर रहा है। शायद इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इटर्नली वेट कर सकते हैं, आप हमेशा उनका वेट करते रहेंगे चाहे सिचुएशन जो भी हो। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके अंदर अनएंडिंग पेशेंस है, जस्ट बिकॉज आप उन्हें किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करते या किसी चीज के लिए बार बार रिक्वेस्ट नहीं करते, उन्हें लगता है कि आप ओके हैं, आप अपनी जगह फाइन है। उन्हें दिख नहीं रहा कि आप कितना ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं, आप कितने ज्यादा परेशान हैं और ये कितना ज्यादा आपको ड्रेन कर रहा है आपकी एनर्जीज। तो कैंसर, आपसे टैरो कह रहा है खुद को जाहिर करना सीखिए, क्योंकि आपके ना जाहिर करने से इस पर्सन को ये पता ही नहीं चल रहा कि आप कितने ज्यादा परेशान हैं और आप बिल्कुल वर्ल्ड पे पहुंच चुके हैं। आपके लिए अपने इमोशंस संभालना इस वीक में मुश्किल होगा, क्योंकि आप पहले से ही कैंसर हैं और ऊपर से मून का जो कार्ड है वो और ज्यादा आपसे रिलेट कर रहा है इस वीक में। आपका लॉर्ड मून ही है और मून के इस रीडिंग में होने का मतलब है कि इस वक्त आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं। एंड सेंसिटिव होने को लेके आपको कहीं से भी गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यूं ही सेंसिटिव नहीं हुए, इस पर्सन ने आपको कुछ रीजंस जरूर दिए हैं। 7 of Water के साथ कैंसर, आपसे कहा जा रहा है कि डिटेल्स में जाइए। आप जो इस वक्त देख रहे हैं आपको वो परफेक्ट लग सकता है, आपको लग सकता है कि ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट है और उनके अंदर वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। एंड ये पर्सन शायद आपसे बहुत सारे झूठ भी बोलता आया है अभी तक। ओके, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हर किसी के केस में ही ऐसा होगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, पर इस कार्ड को यहां देखने का मतलब है कि ये पर्सन शायद आपसे बहुत सारे झूठ बोलते आया है आपको इम्प्रेस करने के लिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इन्होंने सिर्फ आपको खुश करने के लिए बोली, क्योंकि वो आपका दिल जीतना चाहते थे, आपके साथ इस रिलेशनशिप में आना चाहते थे। तो टैरो आपसे कह रहा है कि जो भी आप सुन रहे हैं उसे क्रॉस चेक कीजिए और यूं ही बस किसी चीज पे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर किसी ने कुछ कहा तो आपका जरूरी है ये देखना कि क्या वो सच बोल रहे हैं। अगर आप यूं ही चीजों को ट्रस्ट करेंगे तो सच का पता नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं
वो माइंड गेम बहुत अच्छा खेलते हैं। इनफैक्ट वो यही कर रहे हैं यहाँ पे। काफी ज्यादा मुझे लग रहा है कि आप मेंटली परेशान हो चुके हैं, एंड फोर ऑफ वाटर के साथ आपको ऐसा लग सकता है कि सब कुछ होते हुए भी वो नहीं हो रहा जो आप चाहते हैं कि हो। आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा, आपको फ्यूचर के बारे में कुछ पता नहीं इस पर्सन के साथ, एंड ये बहुत ज्यादा अनोइंग हो सकता है। आपको ये लगेगा कि ये पर्सन आपके लिए वो नहीं कर रहा जो उन्हें करना चाहिए, एंड सारी खुशियां बेकार है अगर ये पर्सन आपको सिक्योर नहीं फील करा सकता या किसी भी तरीके से इस पॉइंट पे आपको ये नहीं महसूस करवा सकता कि उन्हें आपकी परवाह है और वो आपके बारे में सोचते हैं, वो आपको सीरियसली ले रहे हैं और इस रिलेशनशिप को आगे एक मुकाम तक ले जाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कैंसर इस वीक में आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील कर सकते हैं, एंड ये चीज आपको बहुत ज्यादा बेचैन कर देगी। ऐसा नहीं है कि आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है या जानबूझ के कुछ कर रहे हैं, ये पर्सन जो कुछ भी कर रहा है वो आपको ऐसा फील करवा रहा है। वो सारी चीजें आपको इस तरीके से इनसिक्योर फील करवा रही हैं। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2023 की, तो उसके फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। क्वीन ऑफ वाटर, थ्री ऑफ फायर, टेन ऑफ अर्थ, पेज ऑफ फायर एंड एट ऑफ एयर। तो हमारे पास है क्वीन ऑफ वाटर। क्वीन ऑफ वाटर के साथ इस पर्सन को पता है कि आप कौन हैं, ओके? इस पर्सन को पता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिनके लिए इमोशंस बहुत मैटर करते हैं, जिनके लिए लव और रिलेशनशिप्स जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। इस पर्सन को पता है कि आप अभी से दूर के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि आप उन्हें सीरियसली ले रहे हैं और फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, पर समहाउ उन्हें लगता है कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आपका ध्यान भटका सकते हैं। टेन ऑफ अर्थ के साथ ये पर्सन आपके लिए कुछ गिफ्ट लेके आ सकता है या आपको किसी गैदरिंग में लेके जा सकते हैं अपने साथ, कोई ऐसी चीज कर सकते हैं जो उन्हें पता है कि आपको बहुत पसंद है। ये पर्सन शायद आपका ध्यान भटकाना चाहेगा, आप कोई टॉपिक बार बार उठाएंगे और ये पर्सन हमेशा उसे बात पर टाल देगा। हो सकता है कहे कि हम इस बारे में बाद में बात करते हैं, और ये चाहेंगे कि आप उस टॉपिक को भूल जाए फिलहाल के लिए या उस टॉपिक को बार बार ना उठाए। ये एक इश्यू हो सकता है कि जिस टॉपिक पे आप डिस्कस करना चाहते हैं उस पे बात करने को ये पर्सन तैयार ना हो। पेज ऑफ फायर के साथ कैंसर, इस पर्सन को पता है कि आपके जैसा लॉयल पर्सन उन्हें नहीं मिलेगा। इनफैक्ट इसीलिए शायद ये पर्सन ये मान के बैठा हुआ है कि आप कहीं नहीं जाएंगे चाहे सिचुएशन जो भी हो। एट ऑफ एयर के साथ आप कुछ बातें भी सुन सकते हैं इनके बारे में। मेरे कहने का मतलब है कि आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स या इनके फ्रेंड्स कोई ऐसी बात आपको बता सकते हैं जो आपको थोड़ा सा परेशान करें। तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, कोई डाउट्स है आपके अंदर, चारों आपसे कह रहा है उन सब चीजों के बारे में डिस्कस कीजिए खुल के, एंड किसी चीज को कल पे मत टालिए। अगर ये पर्सन आपसे कहता भी है तो भी। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है कैंसर। अनबाउंड, रिलीजिंग सोल पैटर्न्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पास्ट लाइफ्स। कैंसर, ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको खुद को फ्री करने की जरूरत है उन बाउंडेशन से जो आपने अपने आसपास बना ली है। शायद आप बहुत ज्यादा सोचते हैं कुछ भी कहने से पहले,
क्योंकि आपको लगता है कि ये दूसरों को हर्ट करेगा, ये एक अच्छी बात है आपका सोचना, मगर शायद इस पॉइंट पे आपको अपने बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। आप ऑलरेडी बहुत कुछ झेल चुके हैं, आपसे कहा जा रहा है कि पुरानी चीजों को अब आपको सॉल्व कर लेना चाहिए, अगर वो सॉल्व होती हैं, उनका सॉल्यूशन निकल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो खुद को ऐसे सिचुएशन से दूर कर लेना चाहिए जो आपको हमेशा तकलीफ देती रहेगी या जो आपको हमेशा ही परेशान करती रहेगी। ओके, तो यहां जरूरी है खुद पे फोकस करना बजाय किसी और के। तो ये थी रीडिंग इस वीक की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।